टेरेसा, आज तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। आखिरकार तुम्हें पेरेंट्स मिलने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम हमेशा से एक बड़ा परिवार पाना चाहती थी। सच में मिस्टर जेम्स, जेम्स कैसा सही में होने वाला है? जल्दी, मैं उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। वो कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे भगवान, क्या मेरे पेरेंट्स के पास अपना हेलीकॉप्टर भी है? तुम्हारी अपनी नई अमीर जिंदगी में स्वागत है मेलिसा। मेलिसा को मिलियनेयर मिस्टर एंड मिसेस रिच ने गोद लिया है। ये तुम्हारा नया घर है स्वीटी। इस घर में तो कितने सारे कमरे हैं। जानवरों का कमरा, वाह, मैं देखकर आती हूँ। ओह हे भगवान, यहाँ तो असली का जू है। मैंने आज तक इतने सारे जानवर सिर्फ टीवी पर ही देखे थे। तुम्हें जिराफ को बाद में कुछ खिलाने का समय मिल जाएगा। प्ले रूम देखो, ये नहीं हो सकता। मेरा खुद का अम्यूजमेंट पार्क, हमें उसे बचाना होगा। मेलिसा, तुम बाद में खेल सकती हो, अभी और भी है। ओह, ये आइडिया अच्छा नहीं था। हे, बाहर निकलो, यहाँ पर अभी भी मैं हूँ। उप्स, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये बाथरूम है। ये अजीब था। ये है तुम्हारा रूम, जाकर देखो। ओह हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब से मेरा खुद का कमरा होगा। हमारी प्रिंसेस, ये कितने प्यारे हैं। मेलिसा हमेशा से यही सपना देखती थी। ओह हनी, मुझे लगता है हमारी बेटी प्रिंसेस रूम में आ गई है। ओह तो ये बात है, क्या ये नन्ही सी फरी एंजल प्रिंसेस है? हाँ, और वो यहाँ सोती है। और हमारे पास तुम्हारे लिए रॉयल बेड है। आप मजाक तो नहीं कर रहे? प्रिंसेस यहाँ बैठकर मेलिसा की सुरक्षा करेगी। ये तो काफी अच्छा है। मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। नए घर में पहला डिनर। मेलिसा को बिल्कुल भी इस तरीके की लग्जरी की आदत नहीं है। इस बड़े टेबल को देखो। उफ, चुनना कितना मुश्किल है। बेचारी कितनी कंफ्यूज्ड है। हेलो हेलो मेलिसा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुम जो चाहती हो वो खा सकती हो। ये सारी डिशेस तुम्हारे लिए ही बनी है। देखो मैं भी खा रही हूँ, ये स्वादिष्ट है। मेरे पेरेंट्स कितने प्यारे हैं। चलो देखे यहाँ क्या है। मैंने ये आज से पहले कभी नहीं देखा। इसकी खुशबू तो अच्छी है। वैसे नहीं, शुक्रिया। ओह चिकन, वैसे मेरा ये खाने का मन नहीं है। ये अजीब है, मेरे हिसाब से ये स्वादिष्ट है। मिल गया, वो वहाँ है, न्यूटेला। मैं हमेशा से ये ट्राई करना चाहती थी। आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मुझसे और नहीं रहा जा रहा। हमारी बच्ची, वो कितनी प्यारी है। तुम्हें पता है उसे और खुशी किससे मिलेगी? क्या क्या ये मेरे लिए है? मुझे चूटी काटो, मैं सपना देख रही हूँ। आराम से मेलिसा, अपना समय लो। कितनी प्यारी है। अपने घर में सोना कितना अच्छा लगता है। ओह नहीं, ये तो मॉन्स्टर है, वो मुझे लेने आया है। ओह मुझे ऐसी आवाज पसंद नहीं, मदद करो। कोई है? चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। डैडी जरूर इस मॉन्स्टर को सबक सिखा देंगे। तुमने सच में कोई सपना तो नहीं देखा? कौन है हनी, उसे पकड़ो, शायद से हम मुसीबत में हैं। सिक्योरिटी बुलाओ। हेलो सिक्योरिटी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो स्वीट हार्ट, अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये एक से बढ़कर एक है, ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। गुड नाइट बेबी। मॉमी और डैडी तुम्हारे साथ हैं। लगता है मॉन्स्टर डर चुका है। मेलिसा को घर के कामों में अपने पेरेंट्स की मदद करना पसंद है। उप्स, एक मिनट, वाह यहाँ कोई है तो नहीं। चलो देखे इसमें क्या है। ये देखो सोने का कप, ये तो काफी कीमती है। ये नेकलेस, ये भी कोई फेंकता है, शायद गलती से फेंक दिया हो। मुझे ये सब घर ले जाना चाहिए। स्वीटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तुरंत बंद करो। पर ये चीज कचरे जैसी नहीं लग रही। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, और दोबारा ऐसा मत करना। पिछले साल की चीजें कचरा ही होती हैं। क्या अब हम अपने परिवार के एल्बम को अपडेट कर लें? मॉम और डैड के साथ पिक्चर्स लेना चाहते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए। ये हमारा मेलिसा के साथ पहला फोटोशूट है। कैमरा की तरफ देखो और मुस्कुराओ।
कुछ तो गड़बड़ है, शायद से उसे कुछ और फॉर्मल पहनना चाहिए। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पर मेरे पास और कुछ भी नहीं है, हम इसे ठीक कर देंगे। अब ये ज्यादा बेहतर है। रुको, मुझे ये ज्यादा फैशनेबल नहीं लग रहा है। चलो एक्सेसरी पहनाते हैं। वाह, अच्छा पेंडेंट है। ओह हे भगवान, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगी। उप्स, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। आज हम इस साल का हॉटेस्ट ट्रेंड पेश कर रहे हैं, आईफोन 13। वाह, ये फोन कितना मस्त लग रहा है। उसमें 8 कैमरा है और ये वेलवेट जैसा महसूस होता है। मुझे तो ये पक्का नहीं मिलने वाला। मेरा पुराना फोन भी बुरा नहीं है, पर इसके बटन खराब हो चुके हैं और कैमरा भी काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेबी? आप इसके साथ तैर भी सकते हो। आप जहाँ चाहो ये वहाँ काम करेगा। तुम इसीलिए दुखी हो कि तुम्हारे पास ये नहीं है? अमीर परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये मॉडल खरीद रही हूँ। जरूर मिस रिच, ये खास फोन सिर्फ आपके लिए है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये जादू है या कुछ और? मेरी छोटी बच्ची को कभी उदास नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्या ये सब असली में हो रहा है? मैं इसे टांग लूंगी, पर यहाँ मुझे इसे लगाने की जगह नहीं दिख रही। मेलिसा, तुम कितनी फनी हो। ये पर्स ले लो, अब तुम इसमें अपना फोन लेकर घूम सकती हो। ये फैशनेबल है। ओह, इसे कोई नहीं बदल सकता। डैड का ऑफिस कितना बड़ा है, यहाँ पर करने के लिए कितना कुछ है। तो बॉस होना ऐसा लगता है। ये क्या है? पुरानी घड़ी। मुझे चेयर पर घूमना पसंद है। कितना दिलचस्प बॉक्स है, इसके अंदर क्या है? लगता है ये मैंने किसी स्पाई मूवी में देखा है। क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? हे भगवान, मैंने कर दिखाया, ये कितना आसान था। अगर मैं इसका गार्लैंड बना दूँ तो मॉम डैड बुरा नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं, आखिरकार उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। मस्ती करते हुए समय कितनी जल्दी बीत जाता है। आज तक की बेस्ट फैमिली, ये प्यारा है ना? ओ, मेरे पेरेंट्स आ गए। सरप्राइज। मेलिसा, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। लगता है मॉम को उसका काम पसंद नहीं आया, पर डैड के पास हर चीज का इलाज होता है। मेलिसा को ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। बेबी, ये अच्छा नहीं था। हम पैसों की बचत करके ही अमीर बने हैं। लगता है डैड बेटी के लिए गिफ्ट लाए हैं। वाह, मैं इससे घर बना सकती हूँ। ओह नहीं, वो फिर से शुरू हो गयी। आज मेलिसा सिलाई सीख रही है। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए। या ये, डैडी आ गए। बताओ कौन है? डैड, तुम क्या बना रही हो? अपने बेयर के लिए पैचेस। उसे टचअप की जरूरत है। मैं बस यहाँ से ठीक कर दूंगी और ये बिल्कुल नहीं जैसा हो जाएगा। मेलिसा, मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। मुझे अपना टेडी बेयर दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने बहुत मेहनत की थी। ये गलत है। ओह, ये क्या था? कुछ बड़ा सॉफ्ट क्लाउड जैसा। डैडी, ये मेरे लिए है। हाँ बेटी, ये है टेडी, तुम्हारा नया दोस्त। हाय मेलिसा, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है। ये आज तक का बेस्ट गिफ्ट है। ड्राइंग करना किसे पसंद नहीं है? मेलिसा को पसंद है। वो अब क्या बना रही है? ये तो परिवार का पोर्ट्रेट है। काश ये मॉम और डैड को भी पसंद आए। डैडी, देखो मैंने क्या बनाया। ये आप हो, ये कितनी प्यारी है। मैं जानता हूँ इसे कहाँ रखना है। हमारी फैमिली गैलरी में दुनिया की बेस्ट पेंटिंग्स हैं। ये सब बहुत कीमती है। ओह हे भगवान, ये घर तो म्यूजियम जैसा है। मेरे पेरेंट्स को आर्ट काफी पसंद है और ये जगह तुम्हारी ड्रॉइंग के लिए बढ़िया है। ये यहाँ इन सबसे कीमती है। ये अनमोल है। प्यार से बनी हुई कोई भी चीज इन सब सामान से बेहतर है। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, ये किस लिए है? इनाम? पर ये तो बहुत सारे हैं। ये एक असली मास्टरपीस है। मेलिसा को एक आइडिया आया है। आपको पता है मेरे पास और भी ड्राइंग्स हैं और ये सब कीमती हैं। और ये मेरी पहली ड्राइंग है। मिस्टर रिच को बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मेलिसा, तुम गलत समझ रही हो। ओह बदमाश बच्ची, ये सब ले लो और ये मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मेलिसा अपने सारे पैसों को ऑर्फनेज में देने की सोचती है। बाकी बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत है। हमारी बच्ची का दिल कितना अच्छा है। शायद से हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ये बढ़िया है, ये सब हमारे बच्चे हैं। अब सिर्फ मेलिसा ही परिवार वाली नहीं है। अब ऑर्फनेज के सारे बच्चे रिच परिवार का हिस्सा है। पेरेंट्स सबसे प्यार करते हैं और अब फैमिली फोटो लेते हैं।
बोलो चीज। क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपको क्या लगता है, मेलिसा अपने नए सिबलिंग्स के साथ घुल मिल पाएगी? हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रूम ट्रूम पर अलग अलग परिवारों की मजेदार कहानियाँ मिस ना करें।